वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी इस एसक्यूएल की सीरीज़ में, जिसमें हम एसक्यूएल को डिस्कस कर रहे हैं विद एग्जांपल्स। आज हम पूरा डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे। कमांड जो है आपकी सिलेक्ट पूरी फुली कवर्ड इसमें हो जाएगी अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। सभी के सभी जो आपके एग्जाम्स में कॉमनली पूछे जाते हैं, आईपी के ए हो चाहे वो स्टूडेंट्स सीएस के हों, 11, 12, सभी में एसक्यूएल कॉमन है। उन्हीं के हम कमांड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इस कमांड में सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्ट कमांड में। जो कॉमन सबसे कमांड है दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जिसमें हम सिलेक्ट स्टार का मतलब सभी के सभी कॉलम्स को डिस्प्ले करना है किस टेबल से, EMP5 से। देखो, हम जब कमांड चलाते हैं तो हमारा आउटपुट में पूरी की पूरी टेबल शो हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये हमारे पास टेबल है, इसमें करीब 7 रिकॉर्ड्स है। इसमें देखिए ध्यान से, एक लास्ट वाला रिकॉर्ड हमने नल डिस्कस किया था पहले वाले कमांड्स में, पहले वीडियोस में। अगर आप नहीं देखे तो जरूर देख लेना कि नल वैल्यू कैसे फीड करवाई जाती है। फिलहाल अब आप देखिए टेबल, सपोज आपके एग्जाम में आती है, ये टेबल हमारे पास गिवन है, इसके ऊपर हम सभी सभी कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले अगर मान लो, सपोज हमसे पूछा जाता है कि उन सब रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाएंगे जिनकी आईडी एक से ज़्यादा है। देखिए क्या कमांड बनेगी इसकी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है आपका, EMP5, वेयर लगता है इसमें, आईडी इज ग्रेटर देन 1। देखिए सिंपल कमांड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, हमने पहले भी लिखा था, पूरी पूरी टेबल डिस्प्ले हो गई थी। अब यहाँ पर देखिए हमने एक फिल्टर लगा दिया है वेयर वाला, जिससे वेयर का मतलब, जैसे इंग्लिश में देखिए क्या होता है आपको पता होगा, वेयर का मतलब जहाँ पर ऐसा हो। ठीक है, तो काफ़ी, जैसा वो पिछली कमांड्स में भी मैं पिछली भी वीडियो में डिस्कस कर चाहूँ, जो एसक्यूएल की जो आपकी कमांड्स होती हैं वो काफ़ी हद तक इंग्लिश लैंग्वेज जैसी ही होती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने किया एंटर, अब देखिए इसमें से केवल वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हुए हैं जो जिनका आईडी एक से ज़्यादा है। देखिए पहले वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हुआ ना, एक से ज़्यादा वाले डिस्प्ले हो गए। ठीक है, अब देखिए कभी कभी आपके सामने कमांड पूछी जाती है कि उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कीजिए जिसमें पर्टिकुलर क्राइटेरिया ना हो। देखिए जब कमांड लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, दैट इज द टेबल नेम EMP5, वेयर सैलरी इज नॉट इक्वल टू, नॉट 5000, 5000 का इसमें है नहीं, 25000 लेते हैं, 15000। ठीक है, देखिए ध्यान से कमांड में क्या बनाई कि उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कीजिए जिनके अंदर सैलरी 15000 ना हो। देखो ये वाला सिंबल ध्यान रखना, नॉट के लिए यूज़ किया जाता है, लेस देन लगा दिया और फिर ग्रेटर देन लगा दिया, तो जहाँ पर 15000 होगी सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड अभी डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी सब डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए 15000 का छोड़ के सभी के सभी डिस्प्ले उसने कर दिए हैं, सिर्फ थर्ड रिकॉर्ड जिसमें कि 15000 का रिकॉर्ड था और सिक्स्थ रिकॉर्ड जिसमें कि 15000 की सैलरी थी, इन दोनों रिकॉर्ड्स को छोड़ के उसने सबके सब डिस्प्ले कर दिए हैं। हमने ये क्राइटेरिया था, नॉट के लिए सिंबल यूज़ करते हैं इसको, जब 15000 ना हो वो डिस्प्ले हो। नेक्स्ट देखते हैं एक और कमांड, और की कमांड आपके में कॉमनली पूछी जाती है। देखिए टेबल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कमांड चलाते, सिलेक्ट हम करते हैं, सपोज हमें चाहिए सिर्फ आईडी को हम शो करवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं EMP नेम भी शो हो जाए। EMP नेम फ्रॉम, टेबल का नाम हमारा हो गया जी EMP5, वेयर जहाँ पर हमारा EMP नेम बराबर हो किसके, चेक के। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, जहाँ पर EMP नेम हमारे जय हो, और हमने देखिए और लगाया है, और EMP आईडी, सिर्फ आईडी हमारे कॉलम का नाम है, आईडी इज इक्वल टू 2। ठीक है, और देखिए और का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए, और का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, या, जिसे हम आइदर भी कहते हैं, या तो उसका रिकॉर्ड में नाम ये वाला क्राइटेरिया फीड हो यानी कि नेम, या तो उसका जय हो, या फिर उसका आईडी, तो दोनों रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहेंगे। ठीक है ना, देखिए सेकंड वाला भी रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया, हमने दिया था आईडी और EMP नेम, सिर्फ आईडी और EMP नेम ही डिस्प्ले हुए हैं इसमें। देखिए आईडी डिस्प्ले हो गई और या EMP नेम डिस्प्ले हो गए उन पर्सनस के जिनका आईडी 2 था, या फिर जिनका नाम जय, देखो इस वाले केस में नाम जय था इसलिए डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये कमांड भी काफ़ी कॉमनली एग्जाम पूछी जाती है, और कभी कभी स्टूडेंट्स में कन्फ्यूज रहते हैं कि और एंड में क्या डिफरेंस, देखिए इसी कमांड को एंड में कन्वर्ट करते हैं, आपको तो दोनों डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। देखिए सेम कमांड हमारे पास है, इसमें हमने क्या लगा दिया, एंड लगा दिया आपकी बार,
ठीक है, देखिए बाकी काउंट बिल्कुल सेम है। अब देखिए क्या हुआ, एंड का मतलब बोथ, जैसे इंग्लिश में आपको मतलब पता है एंड का क्या होता है, बोथ, कि दोनों ही रिकॉर्ड शामिल होना चाहिए, जिसका नाम जय भी हो और जिसका आईडी टू बी हो। तो क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है? ऐसा कोई रिकॉर्ड बस है ही नहीं, तो हमारा एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं उसमें अंदर। लेकिन अगर देखिए, अगर आप उसका रिकॉर्ड आप चाहते हो, मान लो आप चाहते हो कि जिसका आईडी सात हो और जिसका आईडी सात हो और इसका नाम जय हो, ये देखिए आप रिकॉर्ड आ गया ना, हमने एंड दिया, एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी, तभी रिकॉर्ड शो होंगे, अदरवाइज शो नहीं होंगे। तो एंड में और में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, और में कोई भी एक ट्रू हो तो चल जाता है, लेकिन एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए एक और कमांड जो आपके सिलेबस में दी गई है, जैसे कि हम चाहते हैं कि आई डी प्लस फाइव फ्रॉम टेबल का नाम है EMP5। देखिए क्या हुआ, हमारे जो भी आईडीज थी उनमें पांच जुड़ के आ गए, जैसे देखिए हमारे पास टेबल ये थी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सीक्वेंस में था सात तक, सब में देखिए अगर आप पांच जोड़ोगे, एक में चार जोड़ोगे, पांच जोड़ोगे तो आपके आ जाएगा छः, इसमें जोड़ोगे तो सात, इस तरीके से आपके सबके सब देखिए आईडी शो हो गई। हालांकि अनलॉजिकल है, लेकिन ये आपके सिलेबस में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप कोई भी कैलकुलेशन किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिक फील्ड के साथ कर सकते हो, हमने कर लिया ना यहाँ पे। ऐसे देखिए एक कमांड और है जो काफ़ी कॉमनली एग्जाम में पूछी जाती है, कि हमें जो पर्टिकुलर सैलरी है एम्प्लॉयज़ की वो 50% बढ़ा के दिखानी है, ठीक है। तो देखिए कैसे देखेंगे, सिलेक्ट हम चाहते हैं नेम शो हो जाए, यानी कि EMP अंडरस्कोर नेम जो हमारे फील्ड का नाम है, कोमा सैलरी शो हो जाए, सैलरी, लेकिन कैसे सैलरी शो हो, सैलरी प्लस 0.5 ऑफ सैलरी, ठीक है, तो इसको हम इनटू में लगा देंगे सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम है हमारा EMP5। देखिए क्या हुआ, इसमें हमने जब इस कमांड को चलाया तो EMP नेम शो करे जैसे हमने दिया था, और सैलरी की जगह सैलरी में 50% को, 0.5 का मतलब 50% ही होता है, 50% इंक्रीमेंट होके वो इसमें जुड़ जाए और फिर शो हो जाए। देखिए सबकी सब सैलरी 50% बढ़ के शो आ रही है। देखिए फातिमा का देखो चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको, फातिमा की सैलरी हमारी बेल पर 25,000 थी, 25,000 का आप 50% जोड़िए तो आपका 37,500 ही होगा, मतलब 12,500 और जुड़ जाएंगे तो 37,500 ही होगा। इसी तरीके से देखिए इस वाली सैलरी में 22,000 थी, 22,000 का आधा हुआ 11,000, 11,000 और उसमें प्लस करोगे तो 22 और 11 हो गए 33,000 रुपये, देखिए 33,000। तो इस तरीके से रिकॉर्ड शो करे हैं, यहाँ से देखिए कमांड 50% इंक्रीमेंट होकर शो करवाना था हमें सैलरी, सैलरी में हमें ऐड कर दिया सैलरी प्लस 0.5 ऑफ द सैलरी, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंटली एग्जाम में पूछी जाती है कमांड। अब देखिए नेक्स्ट एक कमांड जो कॉमनली एग्जाम में पूछी जाती है वो है आपकी बिटवीन कमांड, इसके बारे में भी कर लेते हैं। जैसे हमें सिलेक्ट स्टार करते हैं फ्रॉम, टेबल का नाम हमारा था EMP5, वेयर सैलरी बिटवीन, ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि सैलरी बिटवीन, एक मिनट देख लेते हैं सैलरी हमारी है कौन सी, ये वाली है, तो हम 15,000 से लेके 20,000 के बीच की सैलरी डिस्प्ले करवाएंगे। ये देखिए 15,000 एंड, एंड वर्ड लगाना ज़रूरी है इसमें, एंड 20,000, ठीक है, देखिए केवल यही दो रिकॉर्ड शो हुए हैं 15,000 से 20,000 के बीच में। देखिए ध्यान से आपके पास यही दो रिकॉर्ड थे, 15,000 वाले दो थे, क्योंकि 21,000 तो शो नहीं हुआ था। अब देखिए अगर मान लो सब हम चाहते हैं 22,000 तक का करवाना, देखिए 22,000 दे दिया तब ये रिकॉर्ड भी शो हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बोथ वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड, ऐसे एग्जाम में अक्सर लिखा आता है कि बोथ वैल्यूज़ बिटवीन के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, मतलब 15,000 और 22,000 भी शामिल होना चाहिए, ध्यान रखना है कि तब बिटवीन कमांड में आपको 15 जो आप लिखोगे क्राइटेरिया वो वाले रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे। देखिए 15 और 22 वाला भी आ गया और इनके बिटवीन जो थे 21,000 का रिकॉर्ड वो भी शो हो गया है, तो बिटवीन कमांड यहाँ से लेके यहाँ तक के सभी के सभी रिकॉर्ड्स को वो शो कर देगा, ठीक है। इसी का देखिए एक हम जैसे हमने अभी किया बिटवीन, ऐसे हम कर सकते हैं नॉट बिटवीन, काफ़ी कॉमन है कि अब नॉट से क्या होगा, नॉट का मतलब ऐसा ना हो, बिटवीन का जस्ट अपोजिट, तो यानी 15,000 से 22,000 को के बीच में जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको शो नहीं करेगा, बाकी सब शो कर देगा। ये देखिए यहाँ पे बाकी बचे हुए रिकॉर्ड सारे इतने शो कर दिए हैं, ठीक है, ईजी है, बिटवीन का जस्ट अपोजिट हो गया नॉट बिटवीन। ऐसी देखो एक कमांड और करते हैं हम नॉट सैलरी वाला, मान लो सपोज हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं कि जिसकी सैलरी, वेयर सैलरी नॉट
नोट लिख लेते हैं, इक्वल टू 35,000, 35,000 को छोड़ के बाकी सब डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे देखिए, जैसे इन्होंने फोर्थ रिकॉर्ड शो नहीं किया है, जो बर्न यादव का था जैसे 35,000 चली थी वो शो नहीं हुआ। इसके लिए नोट के लिए मैं स्टार्टिंग में भी किया था एक लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करके, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, पर ये भी आपके सिलेबस में है नोट का यूज़ करना भी। अब देखिए एक और इसमें कमांड कॉमनली एग्जाम पूछी जाती है कि इन कमांड्स आपने सुना होगा इसके बारे में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इन, ठीक है, इन में हमने लिख दिया कि भी सैलरी हमारी जहाँ पे केवल 22,000 वाले हों या फिर 33,000 वाले हों या फिर ज़्यादा भी दे सकते हैं हम 21,000 वाले हों, वो रिकॉर्ड शो हो जाए। देखिए सैलरी इन 22,000, ओके मैंने टेबल का नाम गलत लिख दिया है, यहाँ पे EMP5 थी हमारे पास टेबल। देखिए अब रिकॉर्ड सही शो हो रहे हैं, केवल 22,000, 33,000 और 21,000 वाले ही रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। तो देखो इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आप देखिए, मान लो सपोज आपकी टेबल आपको दोबारा शो करके दिखाता हूँ, आपके पास सपोज ये टेबल है, आपसे बोला गया है कि भाई इनमें से मुझे ये वाले रिकॉर्ड शो करवाने, बाकी शो नहीं करवाने। अब देखिए मान लो सपोज बिटवीन तो आपका चलो चल जाएगा, न्यूमेरिक वाली फील्ड चल जाएगा, लेकिन अगर आपको सपोज सिटी में करना है, सिटी में करने के लिए आपको इन ही यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए अगर मान लो सपोज हम ये चाहते हैं कि हमें दिल्ली और गोवा वाले रिकॉर्ड शो हो जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे सिटी इन डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं हम दिल्ली या फिर गोवा वाले रिकॉर्ड हो, सिर्फ भविष्य होंगे, ठीक है। ये देखिए दिल्ली और गोवा वाले रिकॉर्ड शो हो रहे हैं, मुंबई का रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा, तो ये चीज़ भी हम इसमें कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। ऐसे ही इनका एक अपोजिट होता है नॉट इन, जैसे उसमें हमने नॉट इन किया था, इसमें भी हम नॉट इन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं जस्ट यहाँ पे नॉट लगा दिया तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, दिल्ली और गोवा को छोड़ के बाकी सब शो हो जाएंगे, बाकी बचा ही केवल मुंबई है, ठीक है। तो क्लियर है ये वाला कमांड भी। तो एक कमांड और करते हैं इसमें, देखिए काफ़ी कॉमनली ये भी यूज़ की जाती है। अब देखिए एक और कमांड आपकी जनरली पूछी जाती है, मान लो सपोज हम जैसे यहाँ पे देखिए हमारा रिकॉर्ड नल था, आपसे बोला गया जिसकी एज नल है वो रिकॉर्ड शो करने हैं, तो इसके लिए कमांड क्या बनेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम हमारा EMP5 है वेयर एज में दिया है ना, मैं तो एज ले देते हैं, एज इज नल, ध्यान रखना है आपको इज नल लिखना ज़रूरी है, इक्वल टू नल मत लिखना, नहीं तो वो रिकॉर्ड नहीं एक्सेप्ट करेगा, चलेगा भी नहीं। तो देखिए इज नल वाले में ये वाला रिकॉर्ड हमारा शो हो गया एज वाला, अगर आपसे बोला था कि जहाँ पे नल रिकॉर्ड्स हैं उन वाले रिकॉर्ड्स को शो करके दिखाइए, तो आप इज नल कमांड चलाएंगे। इसी का जस्ट अपोजिट होता है इज नॉट नल, वो भी आप चला सकते हैं। देखिए अगर मान लो सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं नॉट नल, तो इसका जस्ट रिवर्स, यानी नल को छोड़ के सब शो हो जाएंगे। ये देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाँ भाई जो है इनमें जो नल नहीं है वो रिकॉर्ड शो करवाओ, नल वाले रिकॉर्ड को शो मत करवाओ, तो ये कमांड आप नोट नल वाली भी चला सकते हो, लेकिन इज लिखना ज़रूरी है, ध्यान रखना, इक्वल टू मत लगाना, इक्वल टू लगाने से कमांड नहीं चलती। ऐसी देखिए एक और कमांड है आपके पास, हालांकि एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि कॉमनली ये आपके सिलेबस में सभी बुक्स में दिया गया है। फ्रॉम टेबल का नाम हमने दिया EMP5, कैलकुलेशंस हैं, देखिए 4 × 3 सबको पता है 12 होता है, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे उतने बार ये 12 शो कर देगा, हालांकि अनलॉजिकल कमांड है लेकिन फिर भी ऐसा आपको आना चाहिए, कैलकुलेशंस को परफॉर्म भी उसमें कर सकते हैं। ऐसी देखिए अगर आपको सपोज आप लिखते हो सिलेक्ट सिटी, सिटी की फील्ड होगी कोमा, हमने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए बीच में ऐसे लगा दिया और फिर कोमा करके हमने लिख दिया जी सैलरी शो हो जाए, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज़ EMP5। देखिए बीच में यहाँ पे ध्यान से देखिए एक स्टार वाली कॉलम आ गई है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रिपल स्टार लिखा था, कुछ भी जो लिखेंगे हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिखेंगे वो सिंगल कोट्स में था, तो यानी कि वो एक फील्ड नहीं ढूंढेगा, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एडिटेड यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। देखिए ठीक है, ये भी कमांड आपके सिलेबस में कभी भी पूछ सकते हैं एग्जाम में डेकोरेशन के पर्पज़ से। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हमें किसी पर्टिकुलर टेबल में, देखो टेबल आपको शो करके दिखाता हूँ, मैं हमारे पास टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम है EMP5,
यहाँ पे देखिए टेबल हमारे पास ये है, इसमें से जैसे हम आपका पर्टिकुलर एक फील्ड है ई एम पी अंडरस्कोर नेम, ठीक है, यहाँ पर आपको ये फील्ड के नाम को किसी और नाम से डिस्प्ले करवाना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा पूरा लिखा है एम्प्लॉयज़ नेम, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सपोज आईडी है, आईडी को आप पूरा अच्छे से डिस्प्ले कराना चाहते हो, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, या आईडी नंबर कुछ भी है, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मान लो सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एज की बजाय ई एम पी एज डिस्प्ले हो, देखिए ऐसे होगा, इसके लिए हम एलियास यूज़ करते हैं एज कमांड, सिलेक्ट एज हमारे फील्ड का नाम है, एज दैट इज़ अ रिजर्व कीवर्ड, एज क्या चाहते हैं हम ई एम पी एज, इस तरीके से शो हो हमारे फील्ड का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम ई एम पी फाइव। देखिए हमारी पर्टिकुलर जो कमांड, जो हमारी फील्ड थी एज के नाम से, उसका वो एज के नाम से शो ना करके हेडिंग क्या शो कर रहा है, ई एम पी एज। कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि इस फील्ड को इस नाम से शो करवाइए, ठीक है, तो ये एज कमांड इसके लगती है, जिसे हम एलियास भी कहते हैं, जिसमें हम किसी भी फील्ड का नाम बदल सकते हैं सिर्फ सिलेक्ट करने के पर्पज से, ठीक है, ये भी काफ़ी यूज़ होती है कमांड। इसके अलावा एक और कमांड आपके सामने यहाँ पे अक्सर यूज़ होती है, वो है आपकी डिस्टिंक्ट कमांड, सिलेक्ट के अंदर डिस्टिंक्ट, देखिए क्या होता है कमांड, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी कर लेते हैं, सिटी में काफ़ी चीज़ रिपीट भी हो रही है हमारी, फ्रॉम टेबल का नाम ई एम पी फाइव। देखिए इसके अंदर क्या हुआ, जो पर्टिकुलर आपकी फील्ड में वैल्यूज़ थी रिपीट होती थी, देखो दिल्ली 2 बार रिपीट हो रहा था, कई बार रिपीट हो रहा था, इवन गोवा कई बार रिपीट हो रहा था, तो उनकी वैल्यूज़ को उसने सिंगल बार शो करा, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ को वो शो नहीं करेगा, एट ए टाइम एक ही बार वैल्यू को शो करेगा। देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब ओनली यूनिक वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए हम डिस्टिंक्ट कमांड का यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्ट किसी भी फील्ड के सामने लगा सकते हैं, हमने सिटी पर लगाया क्योंकि सिटी हमारी बार बार रिपीट हो रही थी, ठीक है, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है कमांड। इसको हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन वैसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको काउंट वाला बता रहा हूँ मैं छोटा सा, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए सेम कमांड हमने चलाई, इसके साथ हमने यहाँ पे इसकी काउंटिंग कर ली, हम कहते हैं गिनती बता दें कि कितनी है, वो काउंट ब्रैकेट लगा दिया हमने सिटी स्टेट सिटी में, तो ये गिनती करके बता देगा कि कितनी हमारी यूनिक सिटीज़ हैं, देखिए दिखा दिया उसने 3 यूनिक सिटीज़ हैं। एग्जाम में ध्यान रखना आपको फील्ड का नाम यही लिखना है जो उस कमांड में, सपोज आपके सामने आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि काउंट और फिर ये जो ब्रैकेट जो एज इट इज़ लिखा है वही आप फील्ड की हेडिंग लिखोगे, ठीक है। अब एक आपकी कॉमन और एग्जाम में कमांड पूछा जाती है, दैट इज़ लाइक कमांड। देखिए लाइक कमांड बहुत ईजी कमांड है, देखिए 4-5 वेरिएशन से आपको सारी कमांड में आपको पूरी पूरी टेबल शो करवा दूंगा, देखते हैं, सिलेक्ट सेम लिखेंगे स्टार फ्रॉम पी एम पी फाइव, देयर हम चाहते हैं जी सिटी, सिटी लाइक क्या चाहते हैं, सिटी में जहाँ पर सिटी डी से स्टार्ट हो, ठीक है, और बाद में कुछ भी हो, देखिए सिर्फ दिल्ली वाले रिकॉर्ड शो हो गए, क्यों, हमें देखो लाइक कमांड ध्यान से समझिए, लाइक हमने क्या लिखा, इक्वल टू लगाते, पहली बात है इसमें डबल कोट्स में लिखते हैं क्या, हमने देखो लिखा डी, डी से स्टार्ट करता हुआ हो, इनिशियल उसका डी हो और बाद में परसेंटेज का मतलब एनीथिंग, जितनी मर्जी वैल्यू आगे हो लेकिन स्टार्टिंग उसी किससे हो, डी से, तो डी परसेंटेज का क्या मतलब समझ में आया कि डी से स्टार्ट होता हुआ और परसेंटेज का मतलब एनीथिंग, उसके बाद कुछ भी हो, तो सबके सब इतने रिकॉर्ड वही शो करे हैं। इसी तरीके से अगर मान लो सपोज हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे रिकॉर्ड शो हों जो आई से ख़त्म हो रहे हों, ठीक है, तो इसके लिए क्या कमांड लगाएंगे हम, सेम कमांड में मैं चेंज कर रहा हूँ, हम नेम पे लगाते हैं ई एम पी अंडरस्कोर नेम लाइक, हम चाहते हैं कि जी आई पे ख़त्म हो, उन रिकॉर्ड्स को शो कर दें, देखिए आई पे ख़त्म होने वाले रिकॉर्ड को शो कर देगा आप, ये देखिए ध्यान से फातिमा कुमारी और जय दोनों के लास्ट में आई था ना, सिर्फ वही 2 रिकॉर्ड इतने शो कर दिए, बाकी सब रिकॉर्ड शो नहीं किए हैं हमने ई एम पी नेम पे लगाया है, तो ठीक है। इसी तरीके से एक इसमें और वेरिएशन बनता है, दैट इज देखते हैं उस कमांड चला के देखते हैं, मान लो हम सब ये चाहते हैं कि भाई हमारा पर्टिकुलर नेम जो शो हो वो वाले नेम शो हो जो जय से मतलब जे से शुरू हो और एग्जैक्टली उसमें 2 कैरेक्टर्स हों, ठीक है, क्या हमने करा कमांड कि जे से स्टार्ट होते हुए और उसमें केवल 2 अंडरस्कोर लगाया यहाँ पर मैंने, केवल 2 ही आगे वैल्यूज हों, देखिए ये शो हो गया इसमें, ठीक है, इसको देखो एक वेरिएशन और देखते हैं इसका, हमारे सिलेक्ट पहले टेबल लिख लेते हैं पूरी,
फ्रॉम ईएमपी 5 में हमारी ये टेबल थी। मान लो सपोज हम चाहते हैं कि भाई ऐसे रिकॉर्ड्स जो डी से स्टार्ट हों और एग्जैक्टली उसमें 1 2 3 4 चार कैरेक्टर्स हों आगे, तो देखो कैसे करेंगे। इस कमांड को हम सिलेक्ट, हम सिटी पे लगाते हैं, सिटी लाइक किस से स्टार्ट हो, डी से स्टार्ट हो और एग्जैक्टली 1 2 मैंने अंडरस्कोर लगाया यहाँ पे, 3 4 चार हो। देखिए दिल्ली वाले सारे शो हो गए। तो इस तरीके से भी हम कमांड चला सकते हैं। जैसे देखिए डी के बाद एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर, देखो अंडरस्कोर का मतलब एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर में, 4 लिखा तो 4 कैरेक्टर उतने गिने आगे और शो कर दिए, कुछ भी हो चाहे वो, पर डी से स्टार्ट होने वाले सारे शो हो जाएंगे। इसी तरीके से देखो जे के साथ हमने लगाने के लिए, जे के साथ 2 कैरेक्टर थे, हमने 2 कैरेक्टर लिख दिए यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के, ठीक है। अब इसी के अलावा एक और भी होता है कि इससे स्टार्ट हो और इस पे खत्म हो। मान लो सपोज हम कहते हैं कि जी हमारे वो रिकॉर्ड शो हो जाए जो ए से स्टार्ट हो और जी पे ख़त्म हो नेम में। देखिए क्या कमांड बनेगी इसके लिए, वेयर ई एम पी अंडरस्कोर नेम लाइक ए से स्टार्ट हो और किस पे ख़त्म हो, जी पे ख़त्म हो, ठीक है। ये देखिए सिर्फ अमन गर्ग शो हो रहा है, बीच में हम परसेंटेज लगा दिया, मतलब बीच में कुछ भी हो लेकिन स्टार्टिंग ए से हो और एंडिंग जी पे हो, ठीक है। तो ये कमांड भी काफ़ी कमाल पूछी जाती है एग्जाम में। अब देखिए इसमें एक वेरिएशन कभी कभी और आ जाता है कि भाई हमें उन रिकॉर्ड्स को, देखो मैं कमांड चला के दिखाता हूँ आपके सामने कि एग्जैक्टली कि जहाँ पर हम नेम क्या चाहते हैं कि कम से कम उसमें 4 कैरेक्टर हो, 1 2 3 4, ठीक है, और उसके बाद जितने मर्जी हों, एटलीस्ट 4। तब देखिए इस केस में जय वाला रिकॉर्ड शो नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि देखिए हमने क्या दिया है, एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर तो हमें चाहिए, कुछ भी हों लेकिन 4 कैरेक्टर होने ज़रूरी हैं, एटलीस्ट 4 कैरेक्टर, उसके बाद जितने मर्जी हों, परसेंटेज लगा दिया हमने, परसेंटेज आगे जितने मर्जी हों। तो इसलिए जय इस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर पाया क्योंकि इसमें केवल 3 ही कैरेक्टर थे, तो ये आपका आ ही नहीं, बाकी सब में कम से कम 4 कैरेक्टर तो है ही ना, इसलिए वो ऊपर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके वेरिएशंस हैं इन्हीं कमांड्स के, बस इतने 4-5 वेरिएशन आपको बताया मैंने, इन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चन एग्जाम आपसे पूछे जाते हैं लाइक कमांड के। अब देखिए एक और कमांड देखते हैं हम, ऑर्डर बाय, ये भी सिलेक्ट में काफ़ी कॉमन चलती है कि हमें मान लो ऑर्डर करना है। सिलेक्ट काफ़ी ईजी कमांड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP5 ऑर्डर बाय, नेम दे दिया हमने EMP अंडरस्कोर नेम। देखिए ध्यान से, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है, ऑर्डर वाले को बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग दो ही ऑर्डर होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम कुछ नहीं देते, सिर्फ ऑर्डर बाय कमांड देते हैं और फील्ड का नाम। तब देखिए ध्यान से, उसने ए वाले रिकॉर्ड ऊपर ले आया वो सारे के सारे, फिर एफ वाले, मतलब एक तरह से उसने सीक्वेंसली असेंडिंग ऑर्डर में नेम्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, काफ़ी ईजी है। अगर मान लो सपोज हमें इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो हम यहाँ पे बस आपने DESC लगा देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, सेम कमांड है, हमें लास्ट में लगा दें DESC, दैट मीन्स इट इज़ इन डिसेंडिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम इसको, बड़े से छोटा। देखिए बाय वाले, बी वाले पहले आ गए, एस वाले और ए वाला सबसे नीचे लगाए, उधर से आप दोनों डिफरेंस देख सकते हो इसमें, जैसे इसका रिवर्स इसने कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से देखिए काफ़ी कॉमनली कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है कि आपको 2 लेवल पे सॉर्टिंग करनी है, असेंडिंग भी लगाना है डिसेंडिंग भी लगाना है। देखिए क्या कमांड बनाते हैं इसके हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिख दें EMP5, वही जो हमारी थी, ऑर्डर बाय कमांड है हमारी, हम सिटी पे करते, चलो सिटी, सिटी को हम चाहते हैं ASC, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। देखो बाय डिफॉल्ट सभी असेंडिंग होते हैं लेकिन अगर हम लगाना चाहें तो हम असेंडिंग ऑर्डर लगा भी सकते हैं, दैट इज ASC, गलत नहीं होगा एग्जाम में, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है हमें। और हम सिटी पे चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और हम चाहते हैं सैलरी पे डिसेंडिंग ऑर्डर, सैलरी पे लगा सकते हैं हम इसमें सैलरी DESC। देखिए क्या हुआ, ध्यान से देखिए इस कमांड को पहले दोबारा, ऑर्डर बाय हम क्या करना चाहते हैं, सिटी को असेंडिंग ऑर्डर में और सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक ही कमांड चलाया हमने, कैसे करेगा। सबसे पहले उसने देखो सिटी को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया, कर दिया। अब इसके अंदर देखिए दिल्ली बार बार रिपीट हो रहा है, दिल्ली जो रिपीट हो रहा है इसके अंदर जाके सैलरी को उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। जैसे देखिए इन 4 रिकॉर्ड्स को केवल देखिए, इसमें 33,000 ऊपर आ रहा है,
25,000, 22,000 और 21,000 आ रहा है। तो यानी इसने दिल्ली को पहले सॉर्ट किया, सबसे पहले ऊपर आई दिल्ली, और दिल्ली के अंदर सैलरी सबसे बड़ी वाली ऊपर, सबसे छोटी वाली नीचे। इस तरीके से गोवा में भी देखिए, 15,000 का दो ही सैलरी थी, 15-15 आ गई, मुंबई का आपका लास्ट में आ गया। ठीक है, तो ये कमांड्स हैं आपकी जो इसमें चलती है कॉमनली। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। सिलेक्ट आपने सारी कमांड्स इसमें कवर कर ली जो कॉमनली आपसे एग्जाम पूछ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ड्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे, डिलीट वगैरह। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा, इसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।